स्वागत है आपके अपने चैनल प्राकृतिक ज्ञान में। दोस्तों, विंटर का समय चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें कई बेहतरीन प्लांट्स होते हैं जिसका फ्लावरिंग देखते ही बनता है। तो ऐसा ही एक कॉमन नॉर्मल सा प्लांट लेके आया हूँ, उसका केयर कैसे करें, उसका रख रखाव कैसे करें, ये सारी बातें शेयर करूँगा। तो वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है एलाइशियम, पर आज का टॉपिक मेरा इस प्लांट के ऊपर नहीं है। आप ये है वो खास प्लांट डेंथस, और देखिए ये कितनी हैवी फ्लावरिंग किया हुआ है, देखते ही बन रही है। और यकीन, पहला फ्लावरिंग होने के बाद मैंने इसे कट कर दिया था, ट्रीम कर दिया था, उसी के बाद देखिए कितना बूशी हो गया। और सॉइल की बात करें तो मैंने इसमें एक भाग गार्डन सॉइल, एक भाग कोकोपीट, एक भाग रिवर सैंड, एक भाग वर्मी कंपोस्ट या काउडंग किया लीव मोड, जो भी जो अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुकी हो उसे मिलाया था, और एक चम्मच बोन मिल और आधा चम्मच फंगिसाइड लिया था। फंगिसाइड में दोस्तों आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या लकड़ी का जला हुआ जो राख रहता है जिसे वुड एश कहते हैं, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो हो गया देसी। तो मैंने इस तरह से सॉइल मिलाया और इसे लगा दिया था, और हफ्ते हफ्ते मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का, मस्टर्ड के एक सरसों की खली जो रहती है उसका खाद डाइल्यूट करके इसमें डालते रहता हूँ। और जब भी डालता हूँ वो मॉर्निंग आवर में डालता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग आवर में खाद डालना बहुत ही अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि उसे उस प्लांट्स को बाद में धूप मिल जाती है, इससे फंगस लगने का डर कम लगता है, और थोड़ी सी सैंडी है अच्छी ग्रो करती है। और ये घास प्रजाति का एक फूल पौधा है, इस तरह से इसे धूप अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। तो आपको 2-3 घंटा धूप इसे दिखा देंगे तो ये फ्लावरिंग करता है, और फ्लावरिंग आने के बाद उसी में सीड बनने लगते हैं। तो वैसे सीड को बनने ना दें, आप कटिंग कर दें, ट्रिम कर दें, तो देखेंगे अगल बगल के डालियों से नई शाखाएँ बनने लगती हैं। तो ऐसे ही प्लांट बूशी बनता है और घना बनता है। तो ये तो था रख रखाव का, और देखिए मैंने इसमें कंटेनर में लगाया है, तेल वाला जो कंटेनर रहता है उसमें लगाया है। और नर्सरी से मैं इसे 15 रुपये में परचेस करके लाया था, और नर्सरी वाले भैया ने मुझे बताया था ये हाइब्रिड है, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं जान रहा था हाइब्रिड क्या है ये, क्योंकि हाइब्रिड का बड़े बड़े पत्ते थे और एक छोटा पत्ता वाला था, वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, वो तो ये बोले थे ये लंबा होगा। तो मैंने आके देखा तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे प्लांट, और ये प्लांट की केयर बहुत ईजी है, और अगर आप थोड़ा सा केयर करें ये तो ये पूरा परेनियल बन जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में आने के लिए थैंक यू सो मच।